और हर घर में काम है, ये मुझे पता है। तो सभी व्यस्त हैं और समय बिल्कुल नहीं लेते हुए मैं अपने प्रथम प्रतिभागी रमा जी टेमले को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी लघु कथा का वाचन मंच पर। रमा जी टेमले, रमा जी आप म्यूट हैं। रमा दीदी ने जस्ट अभी ज्वाइन किया है। रमा दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद है जी, आपकी लगभग वाचन का समय है। रमा जी प्लीज आप कैमरा ऑन कर दीजिए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। रमा दीदी है दीदी, रमा दीदी आपको आपकी लघु कथा वाचन करना है। पहला नंबर आपका है रमा दीदी। अरे ते तो सर बेटा बराबर देनी के लो था ना, ये तो सर्टिफिकेट है। रमा टेमले दीदी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ दीदी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, मुझे लिंक नहीं मिली थी इसलिए लेट हो गई मैं। लिंक कहाँ भेजी थी आपने? हेलो, सभी आदरणीय, शुरू हो जाऊं? हाँ बिल्कुल। सभी आदरणीय अतिथिगण, सब समीक्षक, सभी मेरी बहनें भावना दीदी, अपनी विभा दीदी, सभी को मैं नमन वंदन करती हूँ। ममता दीदी, सभी को मैं नमन कर रही हूँ। और मुझे कविता पाठ करने का पहला मौका मिला है इसलिए मैं अभी थोड़ी सी तैयार नहीं थी, अभी मैंने देखा। हाँ जी, अब मैं अपना कविता पाठ करती हूँ, लघु कथा। हाँ जी, शीर्षक है, लघु कथा का शीर्षक है स्वाभिमान। जी, हरप्रसाद, अरे हरप्रसाद, बारात की तैयारी हो गई क्या? आज अधिकारी की बेटी का विवाह है। वैसे तो कई कर्मचारी कार्य में लगे हैं, सभी तैयारियां हो रही है, लेकिन हरप्रसाद की बात अलग है। वह ईमानदार, बड़ा स्वाभिमान, वह जिस काम में को हाथ में लेता उसे बड़े ईमानदारी, लगन और मेहनत से करता था। शादी के काम के लिए सुबह 7 बजे से ही वह आकर काम करने में लग गया था। आज सुबह व्यस्तता थी, शादी में अनेक कार्य हो रहे थे, सभी लोग कार्य में लगे हुए थे। रसोई के में तरह तरह की मिठाइयां व पकवान बनाए जा रहे थे। मेहमान, बराती, सभी का स्वागत, भोज, सभी कार्य देर रात तक होता रहा। सारे मेहमान अब भोज होता रहा देर रात तक सारे मेहमान व बराती अब लौट चुके थे। सारे कर्मचारी लौटते वक्त खाना खाकर अपने अपने घर लौट गए। हरप्रसाद भी लौटकर अपनी झोपड़ी में आया। काम की व्यस्तता के कारण सुबह से भूखा था, अतः हाथ पैर धोकर खाना खाने लगा। सूखी रोटी चटनी प्याज के साथ खा रहा था, जो उसने सुबह ही जाने से पहले बनाकर रख गया था। इतने में साहब की आवाज गूंजी, हरप्रसाद, ओ हरप्रसाद। इतने में साहब अंदर आ चुके थे। हरप्रसाद को प्याज रोटी खाते देख वे दंग रह गए। बात फिर बदल कर, अरे हरप्रसाद, कल सुबह जल्दी आ जाना, कुछ मेहमान स्टेशन छोड़ने जाना है। साहब मन ही मन सोचते रह गए,
दुनिया में इतने ईमानदार और स्वाभिमान लोग भी होते हैं? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अब मैं जागृति जी डोंगरे को आमंत्रित करूंगी अपने लघु कथा वाचन के लिए। जागृति जी डोंगरे। पटल पर उपस्थित हैं जागृति जी। जागृति दीदी आप म्यूट हैं। जागृति दीदी अनम्यूट है। नमन मन, मैं मंडलेश्वर से जागृति डोंगरे। मंजा सिंह, सभी वरिष्ठ जन, मेरी प्यारी बहनें भावना जी, बीना जी, क्षितिज, लेकर प्रस्तुत मनी सिंह बिना की बच्ची। जब दूसरे बच्चों को अपनी माँ के साथ लाड़ प्यार और हर साउंड क्लियर नहीं है, साउंड क्लियर नहीं। मेरी माँ कहाँ शून्य में खो गई, वह होती तो मैं कितना खुश होती। वह होती तो कितना खुश होती। इसी कारण वह ज्यादातर अकेली ही रहती। उसे बताया गया था कि उसकी माँ दूसरी दुनिया में चली गई है। जब भी उसकी निगाहें क्षितिज तक जाती, उसे वहाँ धरती आकाश मिलते से नजर आते, एक दीवार की नजर आती। क्षितिज के आगे कुछ भी नजर नहीं आता, शून्य ही शून्य दिखाई देता। वह पूछती, या दुनिया यहीं तक है या इसके पार भी कोई दूसरी दुनिया है, और है तो शायद माँ उसी दुनिया में होगी। पर वह सोचने लगी, आज तो मैं क्षितिज के उस पार जाकर ही रहूंगी। वह मन में हर्षित हो आगे बढ़ती जाती, परंतु ये क्या, वह जितना आगे जाती उतना खुद को शून्य में ही पाती। अंततः वह जोरों से रो पड़ी। उसकी आवाज सुनकर पास ही सो रही उसकी छोटी सी बेटी ने कहा, मम्मा क्या हुआ? और शून्य कहें या स्वप्न कहें, ये वह उससे बाहर आई, अपने चारों ओर देखा, फिर अपनी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया रानी को बाहों में भींच कर बोली, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी मेरी नन्ही परी। अब न वहां क्षितिज था और न ही कोई शून्य दिखाई दे रहा था। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर लघु कथा पढ़ी, बहुत सुंदर, धन्यवाद जागृति जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी सुषमा दीदी। सुषमा जी आइए और अपनी लघु कथा का वाचन कीजिए। नमस्कार। नमस्कार सभी मंचासीन आदरणीयों को मेरा नमन वंदन, भावांजलि के सभी वरिष्ठ लोगों को नमन। बस मैं अधिक बात नहीं करते हुए अपनी लघु कथा पर आ जाती हूँ। तो मेरी लघु कथा का शीर्षक है कन्या पूजन। कन्या पूजन के संदर्भ में बस जो मन में भाव आए वही लिखे हैं मैंने, और ये आम होता भी है, कभी कभी सुनने देखने में भी आया है। कुलच्छनी मर क्यों न गई, तुझे जन्म देते ही क्यों न मार दिया। यह दिन भी देखना था, नाक कटवा दी हमारी कहीं डूब मरती जाकर। कहते ही सरिता दहाड़े मार कर रोने लगी। घबराती मिनी बड़ी मुश्किल से दुष्टों के चंगुल से निकलकर भागकर लौट आई थी। चार लोग अगवा कर ले गए थे रात 9 बजे कोचिंग से लौटते समय। घर आते ही सहानुभूति की जगह एक डांट व अपने ही लोगों से प्रताड़ित हो रही थी मिनी। सरिता ने बेटे बहू को कहा, खबरदार, जो इसके घर में और मंदिर में घुसने दिया, जब तक इसका शुद्धिकरण ना हो जाए, नवरात्रि चल रही है, कन्या पूजन कर कन्या भोज भी तो करना है। मिनी अवाक हो माँ का मुंह देख सोच रही थी, माँ किस फल प्राप्ति की बात कर रही है। कन्या भोज कर अपनी ही कोंकजनी निर्दोष बेटी का
शुद्धिकरण करवा के सिसकते हुए मिनी चुपचाप गंगा की ओर चल पड़ी थी अपने शुद्धिकरण के लिए। नमस्कार, मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी कथा वस्तु के साथ आपकी लगी थी, बहुत अच्छी। बस आप जैसे गुणी जनों के साथ में रहके सब सब सीख रहे हैं और क्या। कई दिनों से लिखे आप संदेश बहुत अच्छा गया, हो चुके हैं ना। हाँ, कि अपनी बेटी को जो नहीं समझ पा रहे और कन्या पूजन हाँ। करने जा रहे हैं जी, बहुत अच्छा जी। मार्मिक कथा सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अनीता जी शुक्ला। अनीता शुक्ला जी, अनीता जी शुक्ला मंच पर उपस्थित हैं क्या? अनीता जी नहीं है, नहीं है, तो हम आगे का नाम ले लेते हैं। मनीषा जी शर्मा टिमर नहीं है वो। रजनी आचार्य जी हैं अभी? नहीं, उनका उनका नाम नहीं है इसमें। राजश्री जी शर्मा जी, वो भी नहीं है। सुधा जी पांडे, ममता जी कानुनगो, ममता जी लगता है सब दिवाली मैं अपनी निकाल कर आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल, ग्रुप पर एक बार लिंक कर डालते हैं। हाँ, विवा जी है क्या? मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं ममता कानुनगो इंदौर से आप सभी का सादर अभिनंदन करती हूं और अपनी लघु कथा का शीर्षक हस्तक्षेप जो है मैं उसका वाचन कर रही हूं। अरे लाली, तेरे तो कोई बाल बच्चा नहीं है, फिर तू कैसे इन दोनों को इतने अच्छे से समझती है? विपाशा ने पूछा। बच्चों से मुझे बहुत लगाव है मालकिन, पर भगवान ने मेरी गोद सुनी ही रखी। वो तो आपके बच्चों को संभालती हूँ ना, तो इन दोनों से मन समझा लेती हूँ। क्या मतलब है री तेरा, मेरे बच्चों में अपने बच्चों की झलक? नहीं 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 मालकिन, वो मतलब नहीं था मेरा, आप गलत समझ रही हैं। तभी सासू माँ ने हस्तक्षेप किया और विपाशा को कहा, अरे ना बेटा, गलत ना समझ उसे, ये तो उसकी ममता है, वरना तुझे तो समय ही कहाँ मिलता है अपने सामाजिक कार्यों से। बच्चों को समझने के लिए उन्हें समय और प्यार दोनों देना पड़ता है। माँ का हस्तक्षेप विपाशा को बहुत खल रहा था, माँ को क्या जरूरत है बीच में बोलने की। दोनों बच्चे विपाशा की गोद में जाकर बैठ गए और जिद करते हैं, मम्मी आज हमारे साथ खेलो ना, और हमें गार्डन भी ले चलो। विपाशा ने प्यार से, एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छी आ रही है। कट रही है, आ रही है लेकिन बीच में कट गई थी। हाँ, मैं वहीं से शुरू करूं जहां रुक गई थी। हेलो, हाँ हाँ वहीं से करिए। हाँ हाँ, दोनों बच्चे विपाशा की गोद में बैठकर जिद करते हैं, मम्मी आज हमारे साथ खेलो ना, और हमें गार्डन भी ले चलो। विपाशा ने प्यार से कहा, हाँ हाँ। और तभी फोन की घंटी बजती है और विपाशा हाँ कहते हुए लाली से कहती, अरे लाली सुन, तू बच्चों को गार्डन ले जाना, और हाँ ध्यान रखना गार्डन में इनका। मुझे आज हमारी संस्था के बेसहारा बच्चों के लिए आयोजित एक्टिविटी वर्कशॉप ज्वाइन करनी है, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत
और आवाज इतनी मधुर थी, ऐसा लग रहा था रेडियो पे सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लघु कथा नहीं है, हम कोई नाटिका सुन रहे हैं। सुरीली कोकिला है हमारी ममता, और आवाज में उतार चढ़ाव बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा था लघु कथा में बन के कहानी होती तो कितना मजा आता। सही और उसका जो व्यंग है आधुनिक महिलाओं पर वो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, एक तरह से जवाब दिया है आजकल की महिलाओं पर जो अपने खुद के बच्चे को देखते हुए नहीं पालती है सारे बच्चे इसे देख पाते, इसलिए मैंने कहानी का रूप दिया। इनकी कहानी का बहुत सुषमा जी जैसा ही है कि अपनी बेटी को नहीं पूछते हुए दूसरों की कन्याओं को पूछना। जी जी जी, है ना जी, धन्यवाद दीदी। ममता जी के लिए दो लाइन कहना चाहूंगी मैं, दूसरे पार्टिसिपेंट सारे हैं तब उनके लफ्जों में ढूंढते रह गए, हम अपनी तारीफ उनके लफ्जों में ढूंढते रह गए, आंखों ही आंखों में सब बयां कर गए। क्या बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गरिमा जी टोरे। गरिमा जी चौरे जी, सभी को सुंदर नमन। मैं अपनी रचना लेके एक सेकंड में प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है गरिमा जी, आप वरिष्ठ रचनाकार हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वे लघु कथा वाचन कर रही हैं हमारे मंच पर। और आज तो आदरणीय राष्ट्रीय जी वे भी बहुत अच्छा लिखती हैं और वे अभी नहीं जुड़ पाई हैं शायद, लेकिन बहुत ही अच्छा एक ग्रुप है और सब सभी का हमें यदि सहयोग मिले और प्रोत्साहन मिले तो निश्चित रूप से हम सब काफी आगे जाएंगे। स्वागत करती हूँ। आपके इस प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सभी वरिष्ठ बहनों को सादर नमन। आज सभी मेरी गुरुजन आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय सुषमा दीदी हैं, विभा दीदी हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। सभी बड़ी 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 वरिष्ठ बहनों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो देरी से जुड़ने के लिए थोड़ी माफ़ी चाहूँगी, दीपावली की अपनी व्यस्तताएँ चल रही हैं तो थोड़ा समय निकालना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, लेकिन इतना अच्छा अवसर था मैं छोड़ना नहीं चाहती थी बिल्कुल। ये मैं रचना आप लोगों के सामने माँ शारदा को नमन करते हुए, इसका शीर्षक है आपदाएं। आज श्रीमान मैडम, हाँ यही कहते थे, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आज श्रीमान मैडम, हाँ यही कहते थे, एक महिला को सम्मान देने में पूर्वाग्रह से ग्रस्त अधिकांश लोग उन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने जा रही थी। गाड़ी का पहिया अचानक कीचड़ में धस जाने के कारण उसे निकालना एक दुरूह कार्य था, सो उनसे उनके बैठने की व्यवस्था पास ही के एक सरकारी स्कूल में जिसे शिविर का रूप दिया गया था उसमें की गई थी। लोगों की परेशानियों को जानते समझते हुए उनका ध्यान पास ही खेल रहे खिलखिलाते हुए बच्चों पर गया। उन्होंने अपने पास बुलाकर उनसे खाने पीने से संबंधित सवाल शुरू किए। एक बच्चे ने जवाब दिया, जब तक कहीं कोई परेशानी नहीं होती तब तक हम परेशानी में रहते हैं, लेकिन जब भी कभी बाढ़ भूकंप या ऐसा ही कुछ होता है तो हम वहां पर चले जाते हैं और महीनों तक के लिए जरूरत के सामान का जुगाड़ हो जाता है और अच्छा अच्छा खाना मिलता है वो अलग। आपदाओं के इस विद्रूप चेहरे से मैडम अब तक अनजान थी। धन्यवाद आप लोगों ने इतने अच्छे से सुना और इतना उत्साहवर्धन किया, उसके लिए धन्यवाद। बहुत सुंदर गरिमा जी, बहुत बढ़िया लघु कथा, बहुत अच्छी। सादर आभार दीदी आपका। बहुत बढ़िया गरिमा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आभार दीदी आपका। यथार्थ जो चित्रण किया है वो बिल्कुल बहुत अच्छे शब्दों में किया, बहुत सुंदर। एक कार्यक्रम में कहा भी था कि ये तो हमारे गांधी समाज की महादेवी है,
अरे नहीं दीदी, महादेवी जी की चरण धूलि भी नहीं है हम, उनके अगर अपने के बराबर भी बहुत बड़ी। आप सभी बड़ी दोनों से सीख रही हूँ मैं। बहुत सुंदर गरिमा जी, आज आप ने मतलब इसमें प्रतिभागी हुए, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि मुझे लग रहा था अंत समय तक कि पता नहीं आपकी लघु कथा आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, लेकिन हम लोग को भी इतनी अच्छी लग रही। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अनीता जी शुक्ला। वे जुड़ नहीं पा रही हैं, अनीता शुक्ला जुड़ नहीं पा रही हैं, वो बोल रही हैं। पर उन्हें लिंक तो मैंने पर्सनल भी डाली है और ग्रुप पर भी डाली है। हाँ, पता नहीं क्या कारण है, जुड़ नहीं पा रही हूँ। मनीषा जी शर्मा भी नहीं आ रही, जुड़ नहीं पा रही हैं क्या? मनीषा जी हैं, आ रही हैं, वो जुड़ गई हैं। मनीषा जी, हाँ मनीषा जी, आप आमंत्रित हैं अपनी लघु कथा के साथ। मनीषा जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मनीषा जी, कुछ प्रॉब्लम होगी या म्यूट होगा पता नहीं। राजश्री जी शर्मा जी, राजश्री शर्मा जी, सुधा जी पांडे, निधि जी महोदय, मनीषा जी उसमें दिख तो रही है, वो कॉल में मनीषा शर्मा जी दिखी। कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी फिर उन्हें। नेट की झंझट भी होती है कभी कभी, नेट के कारण भी कर। मैं चाहती हूँ कि विभा जी क्या हम अब समीक्षा आरंभ कर दें, जितनी कहानियां हो चुकी है। जी मनीषा शर्मा जी आ रही है, स्वास्थ्य गड़बड़ का तो लेकिन उनका मैं जुड़ रही हूँ और वो पढ़ना चाहती है तो हम देख लेते हैं 2 मिनट उनका। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो फिर ले लेते हैं। ठीक है बिल्कुल। जब तक मैं, ये जो हमारा समय इंतजार वाला है, इंतजार का समय थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो मैं संगीता जी से कुछ बात करना चाहूंगी लघु कथा के लिए। पहले मनीषा जी से बात कर लेते हैं। हाँ मनीषा जी, स्वागत है आपका लघु कथा। जी दीदी, मैं एक प्रॉब्लम शेयर करना चाह रही हूँ। मेरी रचना क्या लिखी हुई है, कॉपी पे लिखी हुई नहीं है तो मैं उसको पढ़ नहीं पाऊंगी। मैं बोल सकती हूँ, उसका सारांश जो है मैं आपको बता सकती हूँ। अभी पेपर नहीं है, उसका मोबाइल में है तो वैसे मैंने आपको प्रेषित कर दी है, पर मैं उसका सारांश आपको बता देती हूँ और माफी चाहूंगी। सबसे थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ के कारण लेती थी। सभी मंचासी दीदियों को मेरा अभिवादन है। मेरे गुरुजन, सभी मेरे गुरुजन कुछ न कुछ, सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सुषमा दीदी है, राजे दीदी है, वीणा दीदी है, और दीपा से भी सीखा क्योंकि इसका बचपना मैंने देखा है, कितनी चंचल थी है और अब लिख रही है, मतलब गंभीर हो गई है। इससे भी मैंने खूब बहुत सीखा है कि देखो एक समय रहता है। तो मैं अपनी रचना का शीर्षक है जीवन साथी। हम लोग अपने बच्चे को लेकर इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं आजकल के बच्चों को पढ़ने बाहर भेज देते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हमको उनकी जरूरत होती है तब वो हमारे पास नहीं होते हैं। वो उनका परिवार, उनके बच्चे उधर आया के भरोसे छोड़कर और जॉब पे चले जाते हैं, और दोनों पति पत्नी, मतलब जो बेटा बहू है, पति पत्नी कह सकते हैं, दोनों अपने सर्विस पे पैसे को इतना ज्यादा वो करने लगते हैं कि बच्चों को घर छोड़ के चले जाते हैं। हम यहाँ बुजुर्ग होने के बाद बच्चों के लिए तरस जाते हैं, बच्चों को खिलाने के लिए, देखने के लिए। तो वही उसे मैंने दिया है जीवन साथी। दादा बोलते हैं, मैं सारंश सुना रही हूँ, पूरा कॉपी तो नहीं।
देखो बच्चे कितने अच्छे खेल रहे हैं कॉलोनी में, ये देखो चुन्नू उन्नू की दौड़ देखो, दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे, अरे गिरा देखो उसे बचाओ, अरे वो बोलती दादी बोलती देखो कितने अच्छे बच्चे खेल रहे हैं, हमारे बच्चे भी ऐसे होते, काश दुनिया ने मुनिया की छोटी चीज दी, वो रोने लगी उसका मुंह बन गया, दादा बोलते बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, वो उसको भी तकलीफ होती है, अंदर से दादी बोलती है कि देखो हमारे बच्चे भी ऐसे कहीं खेल रहे होंगे, आज हम दूसरे बच्चों में इतना खो रहे हैं, तो समझदार होते हैं जेंट्स लोग जो होते हैं, वो बोलते हैं कि देखो इन्हीं में अपना बचपन ढूंढो, इन्हीं के साथ खेलो, हमने बचपन से अपने बच्चों को बाहर भेज दिया तो वो कहाँ अपना रहा, अब इन्हीं ये बच्चे हैं इन्हीं को देखो, इन्हीं से खेलो, इन्हीं से सीखो, और इसी में अपना बचपन भी देखो, अपने नाती पोते को ढूंढो, अब वो जो चले गए वो तो समय समय पर आएंगे, पता नहीं हम लोग अंतिम समय में भी हम लोग उनको देख पाएंगे नहीं, वो हमको देख पाएंगे कि नहीं, कौन किसी का करता, कोरोना ने एक तो सभी को इतना वो कर दिया है कि अपना अपना नहीं रहा, न बेटे का हाथ पिता को लगता है और न भाई बहन न माँ बाप कोई किसी को नहीं होता, अरे उसको मत छूना, उसके घर नहीं जाना, उसको हो गया था, तो वजह एक ही है दूर होने की भी, अब सभी अपना चाहते हैं, एक लोग बच्चों को बाहर भेज के पढ़ाना चाहते थे कि उनको अपना स्टेटस देना चाहते थे बहुत अच्छा, लेकिन कोरोना काल से सबको ये लगता है सब अपने पास हो, पता नहीं किसका कैसा समय हो जाता है, तो दादा दादी दोनों बुजुर्ग हैं, चॉकलेट टॉफी लेके ओटले पे बैठ जाते हैं और कॉलोनी के मोहल्ले के बच्चों को टॉफी चॉकलेट देते हुए दादा दादी बोल बोल के दोनों खुश हो जाते हैं कि हम अपना नाती पोता वाला जो स्नेह इन्हीं पे लुटाते हैं और इन्हीं से अपना दादी दादा दादी वाला स्नेह पाते हैं, बेटा हमारा बेटा नहीं रहा, वो अब जो विदेश चला गया है वो पता नहीं कब आता है कब नहीं आता है क्या होता है, दोनों एक दूसरे को समझाते हैं, कभी दादी दादा को समझाती कि अरे दुखी क्यों होते हो, आ जाएगा फेंकने तो आएगा, कभी दादी दुखी होती है दादा समझाते कि अरे ये है ना अपने नाती पोते घूम तो रहे, इनको बुलाओ खिलाओ, इन्हीं में अपना देखो, दोनों जीवन साथी का मतलब ये है कि बस पति पत्नी एक जो होते हैं वही सच्चे साथी होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को छोड़ के कभी नहीं जाते हैं, बेटा भी चला जाता है बेटियां भी चली जाती हैं, सभी एक सच्चा साथी जो होता है जीवन साथी, और बुढ़ापे में ही समझ में आता है कि सच्चा जीवन साथी क्या होता है, दोनों को कितनी एक दूसरे की जरूरत होती है, बाकी सब दुनिया में नाती पोते बेटा बहू सब झूठी बात होती है, ये मेरी कहानी का सार में आप चाहोगे तो मैं डाल दूंगी, मेरे पास पेपर वर्क नहीं है उसका, माफी चाहूंगी मैं आपका समय लिया बहुत मिले। लघु कथा हमें पूर्णतः समझ में आ गई और समझौता करना पड़ता है माता पिता को, वो आपने बहुत अच्छे शब्दों में बताया है, आपकी भावनाओं को हम अच्छी तरह समझ गए हैं, और आज ज्वलन समस्या को आपने सामने रखा है ना, आज बन गई है कि बच्चे बाहर चले जाते हैं और माँ बाप जो है वो इस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, और कोरोना में हमारे पड़ोस में देखा बेटा विदेश में है और पति खत्म हो गया कोरोना में, बेटी ने चौकीदार की मदद से उसको चादर में लपेट के कंधे पर रख के लेकर उसका अंतिम संस्कार करके आई है, वो देखा है तो वो देख के भी लगता है कि फिर क्यों हम बेटा चाहते हैं, क्यों हम ये चाहते हैं कि कोई हमारा कर बाहर चला गया वो अपना नहीं है, फिर वो अपना नहीं है, देखा जाए तो दोनों के लिखा था बेटा या बेटी दोनों का बराबर करना चाहिए, है ना, किसी एक भी समय होती एक एज होती है तो हमको जरूरत होती है, एक एज के बाद हमको बेटे बहू की जरूरत नाती पोते के साथ खेलने की जरूरत होती है, बेटी भी जरूरी है बेटा भी जरूरी है, लेकिन बाहर जाने के बाद जब बस से वापस आते हैं वो एक में प्रश्न है, यहाँ पर मनीषा ने एक बात पूछू, मनीषा जी आपसे एक बात पूछ, अगर बच्चे बाहर जाते हैं तो इसमें गलती किसकी, गलती किसकी है, अब गलती हमारी, हम वही तो बोला मैंने अपनी कहानी में लिखा है कि हम एक स्टेटस देने के लिए उनको बाहर भेज देते हैं, तो बस स्टेटस देने के लिए भेज देते हैं कि बच्चा कुछ लायक बन के वापस आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं आता, वो वहीं रुक जाता है, वो अपनी अपना परिवार अपनी दुनिया सब कुछ समेट के वहीं अपना सब कुछ माँ बाप को, तो वो एक समय का जरूरत पड़ती वो ये भूल जाता, पर ये वो भी भूल जाता है कि मेरे भी बच्चे हैं मेरे को जरूरत आएगी कभी, तो ये संस्कार देना भी माँ बाप का ही है कि अगर माँ बाप शुरू से संस्कार देते हैं कि नहीं बेटा आपको हमारा भी देखना है ये देखना है, और अगर आप बाहर जाओ
तो घूम फिर के वापस आ जाना, तो वो भी देश छोड़ के नहीं जाता, करके आ जाओ है ना, अच्छा कमा के आ जाओ, ये भी कह सकते हैं। आपकी तो इच्छा यही रहती है कि बच्चे कमाएं और खूब खुश रहें, खूब कमाएं, खूब पैसों की परेशानियां नहीं हो उनको, हर इच्छा पूरी हो उनकी। लेकिन जब बच्चे विदेश जाने के बाद फिर वही क्यों जाए, विदेश हो जाए अपने बेंगलोर पुणे भी कोई विदेश से कम नहीं हो गया, क्योंकि बच्चे अगर आना चाहे तो भोपाल इंदौर से भी आ सकते हैं, नहीं आना चाहे तो बेंगलोर भी उनके लिए विदेश ही समझो, क्योंकि बहुत भी रहना नहीं चाहती। मनीषा जी से पूछ रही हूँ कि इसका नाम क्या रखा, कहानी का शीर्षक क्या दिया? जीवन साथी, सबसे सच्चा साथी जीवन साथी होता है, सबसे बेस्ट साथी जीवन साथी, उसके अलावा बेटा बेटी कोई किसी का कुछ नहीं होता है। यदि वो भी अपनी पत्नी के लिए रह रहा है, इसलिए वो भी जीवन साथी है, तो वो उसके लिए रह रहा है। मैं भी वाचन करना चाहूंगी मेरी लघु कथा का। अनीता जी मुझे दिखी, अनीता शुक्ला जी दिखी शायद, वे हैं राशि जी, अनीता शुक्ला जी आ गई है और निधि महोदय जी भी आ गई। ओके, तो यदि आप उचित समय तो मनीषा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनीता जी शुक्ला को आमंत्रित अपने लघु कथा वाचन के लिए। अनीता जी आपको बहुत धन्यवाद, जो मेरी छोटी छोटी कहानी सुनी आपने। अनीता जी अनीता जी आप अभी ज्वाइन हुई थी ना, मैंने देखा था अभी आपको है, अभी वो अनीता शुक्ला जी, अनीता शुक्ला जी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी कुछ। निधि महोदय, निधि जी आप मुझे सुन पा रही हैं? सुधा जी पांडे, राजश्री जी शर्मा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कार्यक्रम को कुछ आगे बढ़ाना चाहिए। हो सकता है हम कुछ कदम चलेंगे, कुछ कहानी वाचक लघु कथा वाचक फिर आ जाएंगे, तो हम फिर उनकी कहानी सुन लेंगे लघु कथा। तो मैं चाहती हूँ कि हम समीक्षकों से कुछ बात कर ले, उन्हें कहानी कैसी लगी, लघु कथा कैसे लगी। तो मैं रमा जी टेमले की जो सबसे अपनी बात रखना चाहती हूँ, लास्ट में जब भी संभव हो मैं पेपर वर्क करके बहुत अच्छे से ये वाली कहानी सुनाऊंगी। आज तो मैं पेपर वर्क नहीं था इसलिए मैं नहीं कर, जब भी अगर आपको लास्ट में पूरा आपका एपिसोड हो जाए, सब कहानी कार पूरे हो जाए, इसके बाद में एक बार जरूर सुनाऊंगी अगर आप समय देंगे तो। कल अपने जो मंच है भावांजलि साहित्यिक मंच, उस पर भी आप प्रेषित कर सकती हैं, उस पर भी आप डाल सकती हैं। धन्यवाद दीदी आपका। तो मैं जो सबसे प्रथम हमारी लघु कथा थी, ये भारती जी इस लघु कथा की समीक्षा करेंगी। अब आप भारती जी से लघु कथा की समीक्षा सुनिए, रमा जी की लघु कथा की। भारती जी आप आमंत्रित है समीक्षा हेतु। नमस्कार, मेरा क्या इको साउंड आ रहा है, मैं फिर से जुड़ती हूँ एक बार। नमस्कार, आ रही मेरी आवाज? जी बिल्कुल, स्वागत है आपका जी। ये मैंने सबसे पहले रमा जी की लघु कथा सुनी, स्वाभिमानी। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बार काम के लिए तो हम अपने जितने वर्कर्स है, सहायक है, सबको काम तो बहुत अच्छे से समझा देते और 10 बार कहते भी अपने यहाँ शादी है, अपने यहाँ फंक्शन है, आप आइए और मदद करना, रहना जरूरी है, तेरी उपस्थिति, पर हम उन्हें ये निमंत्रण जैसा नहीं देते हैं कि तुम्हें यहीं पर खाना खाना है
ये कहना भूल जाते हैं। बाकी अधिकार हम बहुत अच्छे से जताते हैं कि ने काम तेरे को ही संभालना है अपने ने, और बड़ा जो ऑफिसर रहते हैं वो भी अपने कर्मचारी अपने साथ के जितने कनिक है उनको भी काम में लगा लेते हैं, लेकिन खाने के लिए बोलना भूल जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी संदेश देती हुई एक लघु कथा, और वो स्वाभिमानी भले ही छोटा व्यक्ति हो लेकिन वो अपना स्वाभिमान नहीं खोता है। तो मैं तो कहूंगी कि ये शीर्षक और लघु कथा एक संदेश देती हुई बहुत अच्छी लघु कथा लगी मुझे। बहुत बहुत बधाई हो रमा जी को उनकी लघु कथा के लिए। लघु कथा, और जब हमने भारती जी के शब्दों में समीक्षा सुनी तो हमें और ज्यादा अच्छी लगने लगी रमा जी की लघु कथा। बहुत अच्छी समीक्षा की भारती जी आपने। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रविंद्र भाई साहब। रविंद्र जी आप आमंत्रित हैं जागृति जी की लघु कथा के हेतु, उसकी समीक्षा के लिए आप आइए, स्वागत है आपका। आप सभी को नमस्ते, भावन जयदी साहित्य समूह के सभी लोगों को नमस्ते, और आज मुझे फिर एक बार चांस मिला है कि आप लोगों को के कुछ समीक्षा करूं। मैंने सारी लघु कथाएं सुनी और कुछ लघु कथाएं पढ़ी भी मुझे भेजी गई थी, तो पर सब में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि सभी का कथानक आज बहुत अच्छा था। मतलब जितनी भी लघु कथाएं उनका कथानक और उनके भाव बहुत अच्छे थे, तो इसलिए मैं आज चाहता हूं कि यह समीक्षा आज मैं कथानक और भाव को लेकर करूं। मैंने अभी अभी जैसे ये कथा सुनते गया तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने कहा यह भाव को लेकर करूं। तो ये मतलब चारों पांच एक साथ कर दूं क्या, मैं सबकी समीक्षा एक साथ कर दूं? आप नाम ले रहे हैं उनकी करूं? हाँ, जागृति जी की आप पहले कर दीजिए। जागृति जी की क्षितिज तक बहुत अच्छी लघु कथा थी। अवचेतन मन में कहीं ना कहीं हमारे वो होता है जो कहीं ना कहीं मतलब हमको ऐसा मालूम पड़ता है, तो इनके जो एकाकी जीवन के ऊपर था तो बहुत अच्छी लघु कथा थी, बहुत अच्छे भाव थे उसके, पर थोड़ा सा विस्तार चाहती थी ये कथा। मतलब अगर वो उनको जैसे सपने में आया कि वो अकेली है कहीं, मतलब शून्य की तरफ जा रही हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ होगा कि जिसके कारण कि या उनके माम उनके जो माता जी है वो शायद बचपन में नहीं रही होंगी, इसलिए क्योंकि कथा जब पढ़ रहा था मैं तब शुरू में ऐसा लगा कि वो लड़की के ऊपर लिखी है, लेकिन पता बाद में पता पड़ा कि वो माँ है और उनको सपने में आया है कि उन्होंने सपने में जो देखा वो कथा में लिखा गया है। तो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा विस्तार देते तो और अच्छा होता। बाकी कथा बहुत अच्छी थी है और बहुत अच्छा लिख सकते हैं इस पर। धन्यवाद। जी रविंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जागृति जी आपने सुना होगा थोड़ा सा विस्तार चाहिए आपकी लघु कथा को, क्योंकि वाकई में लघु कथा का जो आपका भाव है बहुत सुंदर है। वाकई में हम शून्य में क्षितिज को जब हम देखते हैं तो हमारे सपनों में खो जाते हैं। जैसे कि आपने कहा स्वप्न या शून्य, इन दोनों को आपने पर्याय रखा, तो ये बिल्कुल सही है, ये सभी के साथ होता है। तो जागृति जी बधाई हो आपको, बहुत अच्छी लघु कथा आपकी। अब मैं सुषमा जी की जो लघु कथा है उसके लिए मैं रविंद्र जी को आमंत्रित करती हूँ। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी की लघु कथा कन्या पूजन। ये बिल्कुल वास्तविकता है कि हम बाहर जो भौतिक में हम कन्याओं को पूजते हैं, लेकिन घर में हमारी लड़कियों की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। अगर वो आज उसको किसी ने अगवा किया है तो जब वो वापस आई अपना सबको मतलब बचा के अपने को खुद को बचा के वापस आई, तो घर वालों को चाहिए था कि उसका मतलब सांत्वना देते हैं उसको या उससे बात करते हैं करते हैं, तो उसके बदले में वो कर रहे हैं कि हमको कन्या पूजा करना है और आपका आपका शुद्धिकरण करना होगा। मतलब ऐसी दादी बोल रही है, माँ बोल रही है, उसको घर में इस प्रकार की ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है जो कि गलत है ना। और इस कथा में सबसे लास्ट में जो लिखा कि वो शुद्धिकरण करने गंगा की तरफ चली गई, तो बहुत ही मतलब एकदम ऐसा बहुत ही वो लगा है उसमें
एकदम आंखों में से आंसू आने जैसा हो गया कि बहुत कि क्या बिचारी की व्यथा। बहुत अच्छी लघु कथा थी आप, बहुत अच्छी। धन्यवाद आदरणीय, धन्यवाद। आप सब पारखी लोगों के सामने हैं, अभी हम तो ऐसे ही नवांकुर हैं, छुटपुट कुछ लिखते हैं, लेकिन आप जैसे समीक्षकों के सामने अगर भाव आए मन में, जो मन में भाव आए वो मैंने करा, कोई तैयारी तो कहीं नहीं है, जो मन में भाव आ रहे हैं मैं बोलते जा रहा हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद, सादर धन्यवाद, नमन। सुषमा जी, लघु कथा की जो पंच लाइन है मतलब सोचने में मजबूर कर देती है कि मैं तो यहाँ तक सोच बैठी हूँ, शुद्धिकरण का मतलब क्या कर रही है, वो स्वयं को मोक्ष देना चाहती है, शुद्ध करना चाहती है, मतलब इतना तक सोचने लग गया था, दिमाग में आ गया था कि वो आगे क्या, उसके बिचारी के भाव क्या होंगे उस टाइम पे उसके मन। बहुत बहुत अच्छी लगी आपके, बहुत अच्छी सुषमा जी, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी लघु कथा की, धन्यवाद। आप लोगों की इतनी अच्छी सुंदर समीक्षा सुन के तो मन और लेखन करने का हो गया, धन्यवाद धन्यवाद। आपने मंच दिया, मंच पे बुलाया, सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, भावांजलि को धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं मनीषा जी की, जो मनीषा शर्मा जी ने जो सारांश आपको सुनाया उसको सुनकर, आपको जीवन साथी जो लघु कथा थी उनकी, उसको सुनकर आपको क्या लगा? रविंद्र जी मैं आपसे कहूंगी कि आप कुछ समीक्षा कीजिए उनकी लघु कथा की। जीवन साथी लघु कथा आज की वास्तविकता है ये, मतलब पढ़ के आप अगर देखें कि आपके अपने समाज में देखें या पड़ोस में देखें या अपने घर में ही देखें, तो आज सब बच्चे जो है पढ़ लिख के सब बाहर चले गए हैं और खाली पति पत्नी दोनों मतलब ओल्ड एज के लोग रह गए हैं। तो ये मतलब उन्होंने जो लिखा है भाव, वो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हम देख रहे हैं, कोई भी कथा हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसको हम कहीं ना कहीं महसूस करा हुआ होता है हमने पहले, तभी हम उसको कुछ ना भी शब्द देते हैं। तो ये जीवन साथी ये बहुत अच्छी कथा, पर कविता पढ़ के मुझे उस समय, आपकी कथा पढ़ के उस समय लगा था कि इसका शीर्षक कुछ गलत होना चाहिए, गलत है, क्योंकि जीवन साथी शीर्षक एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे बाहर चले गए, हम अकेले रह गए, और मतलब पूरा कथा हमने बच्चों के ऊपर मतलब केंद्रित की थी और बाद में जीवन साथी, लेकिन जब इन्होंने अभी जब उन्होंने बताया कि पति पत्नी दोनों रहते हैं, दोनों जीवन तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसलिए उन्होंने जीवन साथी ये नाम दिया, तब मुझे ये समझ में आया कि। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जीवन साथी अपना भी जीवन साथी, बच्चे भी उनके जीवन साथी के लिए अपने को छोड़ के चले गए, मेरा मेन मतलब ये कहने का था, वो भी अपने वो बाद में मतलब। जी जी जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब अगली बार मैं बहुत अच्छे से प्रेषित करूंगी, आज थोड़ा सा समय नहीं दे पाई मैं, धन्यवाद। आपने बताया उसके पीछे के भाव जो थे बहुत अच्छे थे आप। जी 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 दीदी, और मौका दीजिए मुझे कभी, और मैं बहुत अच्छे से प्रेषित करूंगी आज भैया की समीक्षा सुन के। ऐसा लग रहा है कि मेरे को बहुत अच्छे से लिखना था, बोलना था, और थोड़ी तबीयत के कारण मैं आज समय नहीं दे पाई, मुझे मौका दीजिए एक बार। जी जी धन्यवाद, आपने भाव बहुत अच्छा लिया और सारांश भी अच्छा सुनाया, तो मैं चाहूंगी कि वे अपनी लघु कथा का वाचन करें हमारे समक्ष। सुधा जी पांडे, मैंने अभी लेफ्ट कर दिया उन्होंने, फिर से उन्हें लगा शायद समीक्षा हो रही है तो वो छोड़ दिया उन्होंने, है ना। सबों को नमस्कार, मैं अपनी रचना सुनाना चाहूंगी। सुधा जी आपका स्वागत, स्वागत है, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, स्वागत है आपका। मंच पे सभी उपस्थित रचनाकारों को मेरा सादर नमन, अभिवादन। मैं लघु कथा बहुत कम लिखती हूँ, फिर भी मैंने कोशिश की है, कहीं त्रुटि हो तो आप मुझे जरूर सजेशन देंगी ताकि मैं इसको आगे सुधार सकूं। मैं सुधा पांडे पटना से, मेरी लघु कथा टूटे सपने। मैं सुहागन हूँ, मेरी हाथों की मेहंदी रंग बिखेरी ही थी कि पति के घर आई, अपने सुनहरे सपने को सजाने। हर लड़की की तरह
मैं भी सपने देखती थी, अपना घर, परिवार, बच्चे, जो हर लड़की का सपना रहता है। शादी की रात में पूरी तरह नशे में धुत था, कमरे में आया, घूंघट क्या उठाता, उसने नशे में भद्दी गालियां, डंडा उठाकर मारने लगा। सारे सपने चूर हो गए। चार दिन में ही मैं हाथ में बंदूक उठा ली, क्योंकि मुझे जीना था, जीवन का सार समझना था। मैंने राज की हत्या कर दी। अगर शादी का सपना इतना बुरा होता है तो मैंने निर्णय लिया है कि मैं अकेली रहकर अपनी जिंदगी बिताऊंगी। आंगन में बैठकर अपने जीने की राह ढूंढने लगी। यही मेरी लघु कथा समाप्त। सुधा जी, आपकी लघु कथा में थोड़ा सा मुझे नकारात्मक वो आया कि शादी के पूर्व ही उसने कुछ ऐसा सोच लिया, तो ऐसा नकारात्मक लघु कथा बहुत कम लोग लिखते हैं, और आपको बहुत बहुत बधाई इस नकारात्मक लघु कथा। तो इसमें आपने क्या सोचा कि मतलब शादी के पहले सपने से डर के कोई शादी नहीं करेंगे क्या, ऐसा लगता है क्या आपको? मुझे लगता है कि कुछ लड़कियां जैसे सपने लेकर आती हैं ससुराल में, और कुछ उसके मन के अनुकूल होता है तो जीने की इच्छा जग उठती है, और अगर अनुकूल नहीं रहता है तब वो दुखी हो जाती हैं, तो रास्ता ढूंढने लगती हैं। अब इसमें कहीं त्रुटि हो तो आप जरूर सजेशन दें। हाँ, नहीं, त्रुटि की बात नहीं, ये तो सब अपने अपने विचार हैं। इसमें त्रुटि तो कहीं कुछ ना लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन अपने विचार हो। समाज को थोड़ा सा संदेश गलत जा रहा है, हत्या नहीं वो तलाक ले लेती है। हाँ, वो ज्यादा ठीक रहता कि वो अपने घर लौट जाती। एक सुकुमारी लड़की के हाथ में बंदूक थोड़े सा मतलब एक प्रेरक नहीं लग रहा है मुझे, मेरा विचार है। एक चीज और, कि उस समय उसके पास गन कहाँ से आई? बिल्कुल, है ना, जो समय था कि वो पहले से ही छुपाती रहती थी, तो इसमें तो फिर लड़की के कैरेक्टर पे भी बात जाती है कि शायद उसको इच्छा नहीं थी और विवाह कर दिया गया, वो किसी और से करना चाहती थी, जहां उसने देखा कि यहाँ मुझे सुख नहीं मिलेगा, वहां उसने उसको मार डाला, तो ये सही नहीं जा। हाँ, थोड़ा सा कालखंड एकदम बहुत स्पीड से तीव्र गति से आगे बढ़ गया और सब कुछ फिनिश हो गया, खत्म हो गया, मतलब बीच के जो उसके सपने थे ये उसे थोड़ी सी गलती से खत्म कर दिए, खुद लड़की ने खत्म कर दिया। आपका लेखन बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ी आपकी दोनों तीनों लघु कथाएं पढ़ी, आप बहुत अच्छा लिखती हैं। बस थोड़ा सा एक संदेश हम समाज को देंगे तो शायद हम साहित्य फर्ज निभा पाएंगे, कर्तव्य निभा पाएंगे, बस इतनी सी बात है। बाकी आपका लेखन वाकई तारीफ काबिल है, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं आगे और सुधार कर लिखने की कोशिश करूंगी और अच्छे से सुनाऊंगी। आप सुधार कर मत बोलिए, आप अच्छा लिखती है, आप सुधारना नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन करना है, कुछ परिवर्तन करना है, बस थोड़ा सा। मैं कहना चाहूंगी कि समस्या का समाधान ऐसा दीजिए कि जिसको थोड़ा सब लोग फॉलो कर सके, जी, है ना, क्योंकि समाज को कुछ संदेश मिले। हाँ, हाँ, संदेश है। क्या होगा, लड़कियां क्या सोचेंगी कि भाई अभी तो ये सोच रही डाइवोर्स लेना है, फिर सोचेंगे सीधे उड़ाना है, है ना, तो वो गलत जाएगा। तो थोड़ा सा परिमार्जित करना है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, है ना। सुधा जी बहुत बहुत धन्यवाद आज उपस्थित हुई, आज हमारे मंच पर, शायद ये प्रथम अवसर है आपका, और हम आगे भी चाहेंगे कि आप अपनी लघु कथा लेकर आप हमारे मन से जुड़ी रहे हमेशा। अनीता जी शुक्ला से मैं, जी नर्मदे, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मेरी लघु कथा का शीर्षक है अम्मा। अरे अम्मा, चाय गिर जाएगी, संभल कर। क्यों अम्मा, इस उम्र में ये काम कर रही हो, परिवार में कोई है नहीं क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसा ना कहो, दो बेटियां हैं हमारी, बहुत ही अच्छी हैं, वो तो बस बेटे नहीं है ना, इसलिए बेटी की जगह बेटियों ने ले ली है। हमारे पास जो भी था हमारी कमाई का, हमारी बेटियों और जवाई ने छीन कर हमको घर से निकाल दिया। बेटी होकर इस तरह का काम, मेरी अपने कोई संतान नहीं है ना, उन बेटियों के सिवा मेरा कोई नहीं है,
पर वो मुझे सोतेली ही समझती हैं। बारे जमाना, कहते हैं बेटियां तो मन की जानती हैं, पर यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। धन्यवाद। अनिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी निधि जी महोदय। निधि जी महोदय, राजश्री जी शर्मा, शायद हो सकता है किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं है, तो मैं आगे अब भारती जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे कुछ लघु कथाओं पर प्रकाश डाले अपने शब्दों के द्वारा और हमें थोड़ा समझाए, अवगत करवाए कि हमारे जो लघु कथाएं हैं हमारे समाज के लिए उपयोगी है या नहीं, प्रेरक है या नहीं। तो भारती जी आपको आमंत्रित करती हूँ। सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैं रमा जी की तो मैंने कर चुकी हूँ, मैं अनीता जी की पहले करती हूँ। सौतेली, जो माँ, सौतेली माँ के लिए लिया है, तो ये लघु कथा बनते बनते रह गई है ये, क्योंकि ये लघु कथा पंच लाइन तक नहीं पहुंची। लघु कथा सौतेली माँ, अगर वो अनीता जी अगर लिख देती कि उसने, शायद उन्होंने ऐसा व्यवहार किया हो बच्चियों से, तो वो अपनी ममत्व को नहीं दिखा पाई। तो या वो सौतेली माँ है, ये लिख देती एक लाइन, जो वो कभी अपने बच्चों, वो बच्चों को इन्हें अपना नहीं पाई या बच्चे उसको अपना नहीं पाए, ऐसा कुछ तो उन्होंने क्लियर करना था। इन्हें वो पंच लाइन तक नहीं पहुंची। कविता भाव अच्छे हैं उनके और अच्छा लिखा भी अच्छा है उन्होंने, लेकिन थोड़ा पंच लाइन तक पहुंच जाएगी तो ये कथा बिल्कुल सफल हो जाएगी, बहुत अच्छी बन जाएगी ये कथा। थोड़ा सा बिल्कुल एक दो वाक्य की और इसमें कमी रह गई है, तो अनिता से मैं चाहूंगी कि वो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा ले कविता, ये कहानी। जी बिल्कुल, धन्यवाद दीदी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल सुधार करने का और आगे बढ़ाने का। हाँ बस इन्हें ये एक तो ये प्रूफ कर दो कि शायद वो सौतेली माँ है, या उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि वो सौतेली माँ बन गई है, या सौतेली माँ थी वो बच्चे उसको स्वीकारे नहीं, ये तीन में से कुछ तो होना चाहिए। जी जी बिल्कुल जरूर, है ना, तीन में से कुछ तो रीजन होना चाहिए कि वो, क्योंकि भारत देश में ममत्व को ललकारना इन्हें बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल जरूर। अगर सगी माँ है तो बच्चे अपनी माँ को इन्हें हर हालत में चाहते हैं, माँ कैसी भी हो, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास लगा है मुझे, पंच लाइन तक पहुंचना जरूरी है, तो थोड़ा सा और मेहनत तो लगेगी इस लघु कथा में। जी जरूर दीदी, बिल्कुल धन्यवाद। हाँ, और मुझे करनी, और किसकी करनी, मुझे सुधा पांडे जी की मैं कहूंगी। पहले तो मैं माफी चाहूंगी सुधा पांडे जी से कि लघु कथा जो टूटे सपने, तो ये टूटे सपने एक तो शीर्षक उनको वहां पर सूट नहीं हो रहा है, क्योंकि सपने उनके टूटे हैं, लेकिन उन्होंने तो बहुत आगे बात कर दी कि इन्हें पति को इन्हें खत्म ही कर दिया। तो जैसे अभी सबने प्रश्न उठाया, वैसा प्रश्न मेरे भी है कि भाई बंदूक कैसे थी उनके हाथ में। दूसरा, कोई भी भारतीय नारी पहली फर्स्ट लाइफ को कोई अपने पति को सूट नहीं कर सकती है। तीसरी बात ये है, सुधा जी से कहूंगी कि जब हम कुछ लिखते हैं जी, कोई भी प्रकृति का कोई भी छोटा सा छोटा जीव भी अगर कुछ वर्तनी करता है, कर्म करता है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, है ना। एक मकड़ी जाला भी बनाएगी तो वो अपना घर बनाती है कि नहीं। तो हम अगर लघु कथा लिख रहे हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ मैसेज होना चाहिए, या हमारी कहानी पढ़ के कोई प्रेरणा ले कि हमें इस परिस्थिति में हमें ये करना है। तो अगर ये उन्होंने समस्या का समाधान किया है, तो आगे आने जो 9 लड़कियां हैं वो ये चीज अपना न ले कि भैया हम अपने साथ में कुछ तो भी कटार बंदूक लेके ही चल दे, ऐसा ना हो। इसलिए मैसेज अपना इसमें, इस कहानी के द्वारा मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है,
बाकी आपने जो लिखा है वो कहानी के तत्व को पूरा कर रहा है, एक ही मंच में है, पात्र संवाद कम है, है ना, का लघु कथा छोटी है, पर थोड़ा सा उद्देश्य को और थोड़ा सा ध्यान दे तो वो बहुत अच्छी होगी। और मुझे किसकी करनी है? ममता कानून जी की हो गई, रमा जी की हो गई, ममता कानून गो जी की, ममता जी के हस्तक्षेप बहुत बहुत अच्छी लघु कथा है, और शीर्षक मुझे लगता कि थोड़ा सा बदलना चाहिए इसमें, ऐसा मुझे लगता है ममता दीदी। मैं कुछ कहूँ, एक्चुअली मैंने भी पहले सोचा कि शीर्षक इसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगा कि तीन बार इसमें हस्तक्षेप इस तरह से हुआ कि शुरुआत में जब विपाशा लाली से बात करती है अपनी मैट से कि तो उसके ऊपर वो मतलब एक तरह से इल्जाम कहे या उस पर हस्तक्षेप करती उसके बच्चों के और उसके बीच में उनके प्यार के बीच में कि तू मेरे बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखती है। फिर दूसरी बार जब उनकी मदर इन लॉ मतलब विपाशा की मदर इन लॉ हस्तक्षेप करती है, मतलब तीनों को हस्तक्षेप कैसे खलता है, तो दूसरी बार जब मदर इन लॉ हस्तक्षेप करती विपाशा को कि नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, तीसरी बार हस्तक्षेप ऐसे होता है कि कॉल आता है उसको कि बेसहारा बच्चों की एक्टिविटी वर्कशॉप ज्वाइन करनी है, वो हस्तक्षेप बच्चों को खलता है पर बच्चे मासूम हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से कि मतलब किस तरह से व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप चार बार घंटी करता है कि आपको यहाँ संभलना है, पर फिर भी आप उस हस्तक्षेप को समझ नहीं पाते हो और वही गलती फिर से दोहराते हो। तो मैंने पहले सोचा कि मैं ये रखूं कि नहीं रखूं, फिर मुझे लगा नहीं, जो समझ सकते हैं जो समझना चाहेंगे वो इसको जरूर समझेंगे कि ये शीर्षक मैंने क्यों दिया। अब आप बताइए दीदी कि मतलब सही है या नहीं? नहीं तो फिर थोड़ा सा जिक्र कर देना था, थोड़ा सा चारों जगह हस्तक्षेप का शब्द को आपने थोड़ा सा हिंट कर देना था, कहीं हिंट नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉन्वर्सेशन एक के बाद एक क्रियाएं चलती जा रही है। ओके, है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बाकी कहानी बहुत अच्छी है, पूरे पंच लाइन तक पहुंची है, और आजकल ये हो रहा है कि व्यक्ति घर में बच्चों पे ध्यान नहीं देता है और समाज सेवा में लगा हुआ है, कहानी कहीं से कहीं तक इन्हें बहुत लघु कथा बिल्कुल सफल लघु कथा है, सब कुछ है और पंच लाइन तक पहुंची है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा शीर्षक मुझे थोड़ा सा लगा है कि शीर्षक अलग जा रहा है ना? दीदी क्या रखना चाहिए हमें? अब थोड़ा और सोचेंगे। नहीं आप थोड़ा सजेशन दो ना कि मतलब क्या रख सकती हूँ मैं। अब मैं क्या, एक तो इन्हें थोड़ी पहले देती ना तो मैं और थोड़ा सोचती, अभी तुरंत मैंने पढ़ी हूँ, है ना, तो मैं थोड़ा सोच के बताऊंगी क्योंकि एकदम से मुझे बोलना भी उचित नहीं है मेरा। ठीक है, इसका शीर्षक ये हो सकता था दोहरा रूप। हाँ ये भी हो सकता था, है ना, दोहरा रूप और भी सोच सकते हम लोग, कोई और भी बोलना चाहे तो। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे वो अपने चरित्र के दो रूप दिखा रही है, है ना, बच्चों के प्रति जो है उनका कैसा है और समाज में अपना स्टेटस बनाने के लिए वो किस तरीके से आ रहा है। जी, मुखौटा भी रख सकती हो कि देखो वो मुखौटा भी रख सकती हो कि वो इधर चाह भी रही है, इधर दूसरों आरोप भी लगा रही है, खुद की सोच भी ज्यादा ऊंची नहीं है, मुखौटा भी रख सकती हो, और भी सोच सकते हैं अपन। जी जी दीदी, जी दीदी धन्यवाद दीदी। गरिमा जी की रविंद्र जी ने, और मुझे और कौन सी करनी, शास्त्री जी शायद उपस्थित है मंच पर तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। भारती जी अब आप आगे से आपको आमंत्रित करूंगी, पुनः आप उपस्थित रहें। जी जी, आमंत्रित है आप लघु कथा वाचन के। जी जी जी, मुझे पहले तो क्षमा चाहूंगी कि मेरे नेटवर्क की बहुत दिक्कत आ रही है, तो इस बारे में उपस्थित ही नहीं हो पाई, तो मैं कर लेती हूं एक मिनट। जी जी, आदरणीय राष्ट्रीय जी भी समीक्षाएं करती हैं लघु कथा की, और आज वे बहुत ही स्तरीय लघु कथाएं लिखती हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि वे हमारे साथ हैं और हमें मौका मिल रहा है उन्हें सुनने का।
स्वागत करती हूँ मैं। क्षमा चाहूंगी कि वो भी नहीं चल पा रहा है वीडियो, तो बिना वीडियो के कृपया ये स्वागत है दीदी आपका। जी जी नमस्कार सबको, नमस्कार और क्षमा प्रार्थना है कि मैं समय पर उपस्थित नहीं हो सकी। हम इंतजार कर रहे हैं आपकी कथा सुनने का। जी मेरी जो कहानी है ये मानवेतर विषय पर कहानी है और करुणा इसका शीर्षक। उसकी शादी को 2-3 महीने भी नहीं हुए थे। दादी सास बड़ा मीठा बोलती थी, डांट फटकार कुछ नहीं, पर उनकी एक आदत से दीपा बड़ी हैरान थी। अल सुबह नहा पूजा पत्री निपटा ऐसी जगह कुर्सी लेकर बैठ जाती जहां से पूरा चौका दिखे। फिर घबराहट में उसे कोई ना कोई चूक तो हो ही जाती, कभी बर्तन छूट जाता, कभी गर्म करछी से हाथ जला लेती। उस दिन भी दूध के पैकेट लेकर अंदर आई तो दादी सास की नजरें उसका पीछा करने लगी। उसने पैकेट नल के नीचे धोकर पोछे, कोना काटकर सारा दूध भगोनी में डाला, फिर चारों पैकेट में घूंट घूंट पानी डालकर खंगाला। और जैसे ही दूध की भगोनी में डालने को मुड़ी, दादी खड़खड़ाती आवाज में बोल उठी, थोड़ो बहुत दूध नाली में भी चली जाएगो तो अपनो कहीं नुकसान नहीं होना को लाड़ी बाई, पर जमीन का भीतर गन जीव एक ही आस में बैठा रह। दीपा पलटी तो दादी की आंखों में असीम करुणा का सागर लहरा रहा था। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही लघु कथा राजश्री जी आपकी हमेशा की तरह बहुत सुंदर। मतलब इसके जो सराहना के शब्द है मैं आपके समीक्षक से ही सुनूं तो मुझे शायद ज्यादा खुशी होगी, आपको भी अच्छा लगेगा। वैसे तो आप स्वयं सफल समीक्षक है, मतलब समीक्षक की समीक्षा सुनाई आज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल स्वागत हो रहा है, ये हमारा मंच हमें करने की कोशिश कर रहा है तो ये तो होना ही नहीं नहीं इसका स्वागत है। हर चीज की समीक्षा होनी चाहिए, त्रुटियां हर एक में होती हैं। नहीं यहाँ त्रुटि की बात नहीं है, बस समीक्षा हो रही है, त्रुटि तो खैर हो जाती है लेकिन नहीं, एक नहीं, कहां मानव स्वभाव मानती हूँ, मानव स्वभाव है। आइए भारती जी मैं समीक्षा हूँ, मैं गुरु, आप मेरी गुरु हो, वो भाई साहब करेंगे आपकी समीक्षा तो मैं समीक्षक बन ही नहीं सकती आपकी नहीं नहीं आप तो मेरी गुरु हो और गुरु ही बनी रहे आप नहीं नहीं गुरु की बात नहीं है, आप जिस पद पर बैठी है उसका कर्तव्य निर्वहन करें। नहीं ये पुरंदर जी करेंगे, भाई साहब करेंगे इसकी समीक्षा। तो ये मैं आप सबसे कहना चाहूंगी एक बात पुनः कि यहाँ पर कोई का मंच ऊपर नहीं, कोई का नीचे नहीं है, ये हम सबका मंच है, ये भावादेवी साहिब हम सबका मंच है और ना किसी को हमें यहाँ मौका देने वाली बात के लिए धन्यवाद बोलना है क्योंकि अवसर आप खुद प्राप्त कर रहे हैं अपनी योग्यता के अनुसार। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो है एक छोटा सा निमित्त मात्र है कि हम ये मासिक कार्यक्रम को ऐसा रूप दे रहे हैं, अन्यथा इसमें कुछ भी नहीं है। और जो आप जैसे सफल समीक्षक और भी कई सफल लेखक हैं तो ये हमारे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए है और मार्गदर्शन हेतु है, तो आपका मार्गदर्शन हमें चाहिए। तो प्लीज मतलब आप ऐसा ना कहना कि अवसर या मौका ये सब कुछ नहीं, तो ये हमको जो खुशी हो रही है वो आपको हम नहीं बता सकते कि आप जैसे लोग हमारे साथ में यहाँ जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रविंद्र जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे राजश्री जी की लघु कथा पर कुछ शब्द कहे। रविंद्र जी रविंद्र जी शायद लेफ्ट हो गए क्या, मंच पर है वो। हेलो हेलो नमस्ते, आपके लघु कथा का शीर्षक क्या था राजश्री जी? आपका म्यूट है दीदी, आपका म्यूट है जी। करुणा था इसका, करुणा, बिल्कुल बहुत अच्छा शीर्षक है करुणा, क्योंकि वो जो दादी जी ने के मन में जो करुणा थी वो मतलब जो जमीन के अंदर या नाली के अंदर कीड़े वीड़े थे उनके भी प्रति जो उनके मन में करुणा थी वो पुराने लोगों में
बहुत मतलब था ही ये पुराने लोगों का। हम जब देखते थे बचपन से ही कि हम गाय के लिए रोटी रखते थे, कुत्ते के लिए रखते थे, कौवे के लिए रखते थे, अभी सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। लेकिन दादी जी ने अपनी मतलब बहू को बहुत अच्छा वो दिया है, अपना मतलब एजुकेशन दे रही हैं वो, और बहुत अच्छी लघु कथा थी आपकी, बहुत भावपूर्ण लघु कथा थी। और इससे ज्यादा मैं आपकी कथा के ऊपर कुछ बहुत ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आप तो एक स्थापित कथाकार हैं, आपका तो बिल्कुल, हम तो आपका पढ़ते ही रहते हैं, कहीं भी आपका आते रहता है, तो आपका धन्यवाद जी, आभार आपका। जी रविंद्र, श्री मासी को प्रणाम मेरा। और मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि आपकी एक लघु कथा मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट में आपने शायद डाली थी, ये लघु कथा, और उसके बाद से मेरा नजरिया बदल गया कि आपने डाला था सिंक में जो थोड़ा सा जूठा छूट जाता है उसको भी हम उठा लेते हैं, तो हम हमेशा कौवे, कुत्ता, बिल्ली, गाय के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो जमींदोज, जो छोटे छोटे जीव जंतु है, उनके बारे में हम कभी नहीं सोचते थे। तो आपकी लघु कथा ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं अब थोड़ा सा जो बर्तनों की जूठन बचती है वो मैं मिट्टी में डलवा देती हूँ, कि ये इस नजरिए से कभी सोचा नहीं था। तो आपकी लघु कथा ने मुझे बहुत प्रभावित किया, तो बहुत आभार आपका इसके लिए, धन्यवाद। एक ही वो था कथानक, उस पर मैं दो लघु कथाएं लिखी थी और वो दोनों एक साथ डाली थी, यहाँ मैंने एक ही पढ़ी है, एक चीटियों के माध्यम से लिखी थी और एक मनुष्यों के माध्यम जरिए, ये दो जुड़ी हुई थी, बेहतरीन थी, बहुत बहुत अच्छी लघु कथा है, बहुत सुंदर थी जी, धन्यवाद। साथ में ये भी संदेश देती है कि हम हमारे साथ जितने जुड़े हैं उनके लिए भी थोड़ा थोड़ा दीजिए, ये दूसरा पहलू इसका, ये भी ये लघु कथा का ये भी कहता है। मेरे ये जब मैंने पढ़ी थी तब मेरा ये दृष्टिकोण था कि इससे आप ये भी चाह रही है कि अपने साथ जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी आप दीजिए। जी हाँ, बहुत अच्छी लघु कथा, आप जब अकेले, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आप अकेले बढ़ते हैं तो आप शीश पे अकेले रहते हैं, पर जब आप अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ जाते हैं तो आप अकेले नहीं होते शिखर पर, शिखर पर उतरने के बाद फिर आपको कोई भी नहीं मिलता। इसलिए भी ये एक कोण, दृष्टिकोण मेरा था उसको लिखते समय कि हमेशा अपने साथ, चाहे वो जीव हो चाहे मनुष्य हो, आप अकेले शिखर पर ना चढ़े, अपने साथ साथियों को लेके चले। मतलब शेयरिंग बच्चों को सिखाते हैं, वो आपकी लघु कथा ने एक पल में सिखा दी सभी को, जो हम बच्चों को धीरे धीरे सिखाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि बांटते चलो, आपके पास चाहे प्यार हो, चाहे अनाज हो, चाहे जो भी चीज हो, बांटो, वो बहुत अच्छी बात है। तो राजू जी, आपका बांटने से बढ़ता है जी, बिल्कुल बिल्कुल, और कहते हैं दुख बांटने से कम होता है, ये भी एक मतलब संसार में कभी काफी दिनों से चल रहा है ये बात, यानी दुख बांटो तो बोलते हल्का हो जाता है और सुख बांटेंगे तो बढ़ेगा, ये कुदरती है और काफी सालों से पता नहीं हमारे किसने लिखा था लेकिन ये चला रहा है और बिल्कुल पूर्णतः सत्य है, इसमें कोई भी शंका नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह सत्य है। आज दीदी की कथा ने हमारी सासू माँ की याद दिला दी और हमारी मौसी जो वीणा की नानी जी थी, हम जब भी जूठा निकालते तो कुछ करते थे तो वो जो सिंख में थोड़ा भी रहता था उसको कहते थे नाली में मत जाने, तो इसको उठा के बाउंड्री पे रखो, ये चिड़िया कौवे का पेट भर देते हैं, बोले आप तो फेंक देते हो लेकिन वो पंखेरु क्या खाएंगे। तो आज इस कथा में याद आई हमको, बहुत अच्छी कथा दीदी, धन्यवाद। जो थी जब हम किसी दूसरे में निकालते हैं बड़े वाले कुकर वगैरह से, तो कुछ दाने चावल के बच जाते थे तो बोलती थी भावना इसमें चिड़िया का पेट भर जाएगा, तेरे बच्चों का ना भरे पर चिड़िया का भर जाएगा, तो वो दिमाग में वो बात है बिल्कुल घर कर दी। हाँ बिल्कुल, तो बुजुर्ग लोगों का अपने सर पर आशीर्वाद और उनका साथ रहना सब कुछ सिखाता रहता है, और किस वो मतलब पर्दे के पीछे से सिखाता है परोक्ष रूप से, हमारे सामने हमको लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में वो बात घर कर जाती है,
बिल्कुल, और हम उसको फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं उसका। और वाकई आज एक लघु कथा में हम सब में एक ऊर्जा से भर दी है, जिसमें हमें लगा है कि हमें इसकी चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। वैसे हमारे इस मंच पर आज कई लघु कथाएं इतनी अच्छी है जो चर्चा के काबिल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी दिन केवल एक चर्चा के लिए भी बैठे तो वाकई में शायद आनंद आएगा। तो निधि महोदय जी, आपका मैं काफी देर से प्रतीक्षा कर रही हूँ आपकी, और मैं चाहूंगी कि आप मंच पर हैं तो प्लीज आप आइए, आमंत्रित हैं, अपनी लघु कथा का वाचन कीजिए। निधि जी, निधि जी की जो लघु कथा जो भी हम सुनेंगे वो दोनों समीक्षकों तक वो कहानी अभी तक पहुंची नहीं लघु कथा, लेकिन आप ध्यान से सुनिए, और हो सके तो आप में से जो भी समीक्षा करना चाहे वो कर सकता है। हमारे दोनों समीक्षक तो है ही, साथ में हमारे मुख्य अतिथि हैं, राशि दी हैं, सुषमा जी हैं, वीणा जी हैं, विभा जी हैं, बहुत लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, ममता जी हैं, गरिमा जी हैं, तो आप सब भी समीक्षा कर सकते हैं। तो मैं निधि जी को आमंत्रित कर रही हूँ, वो अपने लघु कथा वाचन है तो मंच पर उपस्थित हो। एनएम से शायद निधि जी, एनएम से किसने ज्वाइन किया? म्यूट करना नहीं, नहीं उनके पास है अनम्यूट का ऑप्शन, वो कर सकते हैं। अच्छा, वो सुन नहीं पा रही हैं शायद। अच्छा, एन समय हम एन और एम आईडी से। निधि जी शायद सुन नहीं पा रही हैं या उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आ रहा। वीना रुकिए, मैं उसको कॉल करती हूँ और पूछ लेती हूँ, एक मिनट जी। वीना जी, आप जब तक अपनी कुछ शेर व शायरी सुनाइए, थोड़ा सा अलग हट जाएंगे, लेकिन शायद हम सबका मूड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि चाय की जगह पर वही चीज है जो हमें शायद अच्छी लगेगी अभी। भावना जी भावना जी, मैं एक बात कहना चाह रही थी कि मुझे आज एक उठावने पे जाना है, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं अच्छा छोड़ दू है ना। तो संगीता जी, आप आई, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, कॉलेज से थकी हुई थी फिर भी आप उपस्थित हुई, वाकई में आप बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सब जुड़ के मेरी थकान सारी चली गई, और बहुत अच्छी लघु कथाएं पढ़ी गई, बहुत अच्छे भाव थे, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे सबके साथ है ना, और मैं आगे भी जुड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, आप हमारे परमानेंट अतिथि है, आपको हमेशा साथ में रहना है। निधि जी जो है वो आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, आप सबका। चलो तो फिर तो मैं वीणा जी से आग्रह करूंगी, एक भाभी का आग्रह है ये कि मैं आपका अंजलि की जितनी बहने हैं जो शून्य से शुरू करके और यहाँ तक पहुंची हैं, बहुत सी बहने हैं जिनको साहित्य सृजन ने और भावंजलि के साहित्य समूह ग्रुप को निखारा है, उनके लिए दो लाइनें मैं बोलना चाहूंगी। चलती रहूंगी पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगी, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छी मुसाफिर बन जाऊंगी। बहुत शानदार। स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को,
उनके मुकद्दर में सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। ये जो कोशिशें बहनों ने की हैं, मैंने खुद भी सफर आप लोगों से ही शुरू किया, हालांकि मैंने अभी ब्रेक ले रखा है, एक डेढ़ साल का मैं ब्रेक लूंगी, फिर मैं वापस से सृजन की तरफ जाऊंगी। तो जो सफर आपने जो मंच दिया है और जो सफर हमने जीरो से लेकर शुरू किया है, तो वो माइलस्टोन हम पार करते चले जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि खैर इस जो सफर है, जो यात्रा है, इसका कहीं अंत तो होगा नहीं, क्योंकि कला ऐसी चीज है जो अपार अथाह सागर है। लेकिन जो एक मुकाम हम लोग हासिल करते जा रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी जो आधार स्तंभ हैं जो समाज के हमारे, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और उन बहनों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी जो कहाँ से शुरू होके कहाँ तक पहुँची हैं। और जो आप लोगों के जो मंच हैं उन पर मैं रोज देखती हूँ, मतलब इतनी क्रिएटिविटी और इतनी कलाकारी भरी है बहनों के बीच में कि आपने कोई टॉपिक दिया और सब लोग लिखते हैं, इतना तो ये बहुत गजब का ट्रेनिंग है। तो उसके लिए आप लोगों को मन है, संचालन तो बहुत सुंदर रहता है, सुंदर संचालन की बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर संचालन। जी सच का, हमने भी सुषमा दीदी के साहित्य सदन से ही लिखना शुरू किया है, क्योंकि हम सिर्फ जागृति से जुड़े थे, उसमें कभी कभी विषय दिया जाता था लेखन का, तो सबको देख के लगता था कि जब ये लिख सकते हैं तो अपन भी लिख सकते हैं। तो टूटी फूटी वहीं से शुरू की, सुषमा दीदी के साहित्य सदन से जुड़े, फिर आश्री दीदी ने भी लिखाया, आज मंच पे है, सबको बहुत बहुत आभार है मेरे लिए, बहुत बढ़िया। भावांजलि मंच भी बहुत अच्छा है, हर उसमें काम करते हैं बढ़िया, अच्छा हर तरह की क्रिएटिविटी उसमें सीखने को मिलती है। मैंने अभी श्वेता शर्मा से दो लाइन में उन बहनों की तरफ से कहना चाहूंगी, जिन्होंने जब लिखना शुरू किया तो उनके मन में क्या भाव रहे होंगे। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, प्रयासों की यही मंजिल पाई है जो बहनों ने जब शुरुआत की होगी, तो कुछ ऐसा ही हिम्मत और हौसले के साथ और आप लोगों के आशीर्वाद के साथ हम लोगों ने शुरू किया और आज यहाँ तक पहुंची हैं बहनें, की पटल पर अपनी कथाएं पढ़ रही हैं, वाचन कर रही हैं, वो भी इस तरीके से कि ऐसा लगता है कि हम नाटिका सुन रहे हैं। तो बहुत सुंदर अदायगी रही है सभी बहनों की, हमारी माननीय दीदी का विशेष धन्यवाद है, इसमें राजे दीदी का विशेष धन्यवाद है, आभार। जब तक समीक्षा हमारी राजे दीदी सच में गुरु माया। आज की कथा है बहुत ही अच्छी थी, बहुत भावपूर्ण थी, बहुत अच्छी कथाएं थी, सभी कथाओं को मतलब एकदम बहुत अच्छा लगा। छोटी सी लघु कथा पढ़ना चाहूंगी जी, स्वागत है जी से, स्वागत है आपका जी। मेरी कविता जो लघु कथा है बहुत छोटी सी है, उसका शीर्षक है सुई डोरा। मालकिन मुझे तुमसे बांध कर ही रखती है, डोरे ने सुई से पूछा। मालकिन मुझे तुमसे बांध कर ही रखती है, डोरे ने सुई से पूछा। हाँ मैं कहीं खो ना जाऊं, संभवतः इसीलिए, सुई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। डोरा, मालकिन अच्छी तरह जानती है जब तुम मुझ में से गुजरते हो तभी गांठ लगती है और मैं तुमसे बनती हूं तब नई रचना कलाकृति बनती है। सुई ने कहा, तुम बिन मेरा अस्तित्व ही क्या है, और दोनों साथ में हंस पड़े। धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज 10 लघु कथाकारों का वाचन था, निधि जी आज अनुपस्थित रही तो मैंने सोचा मैं 10वीं प्रतिभागी बन जाती हूँ। मतलब कितनी सूक्ष्म चीज से भी आपने एक रचना कर दी, एक लघु कथा की कृति, मतलब वाकई में बहुत बहुत प्रशंसनीय है। मैं सीख रही हूँ आप लोग
के सामने सीख रही हूँ, मैं ज्यादा तो नहीं लिख पाती हूँ। और मैं भावनाओं में बैठ आपकी लघु कथाओं के विषय बहुत अच्छे होते हैं, आपकी लघु कथाएं मैं पढ़ती हूँ, भावों पे भी लघु जोड़ी तो जैन लघु की जोड़ी है, बहुत अच्छी लघु कथाएं हैं। कोशिश करते हैं, ये बहुत छोटी थी तो मैंने सोचा कि तुरंत मैं प्रस्तुत कर दूं, क्योंकि हम 10 लघु कथाकार हर बार हम करते हैं। मैंने अपना नाम भी दिया था पर फिर दूसरे नाम से मैंने अपना नाम हटा लिया था। ये एकदम गागर में सागर बिहारी के जो वो होते ना दोहे, गागर में सागर भरने वाले, बिल्कुल इसी तरह आपके लघु कथा थे। मतलब एक तो उसका शीर्षक बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर, और उसकी रचना एक छोटी सी बात में कितनी अच्छी बात, और माध्यम उन्होंने मालकिन का चुना बहुत अच्छा। एक माध्यम होना भी अनिवार्य होता है कि यदि हम प्रतीकात्मक कुछ चीज बता रहे थे तो इसका माध्यम होना बहुत जरूरी है। तो ये आपने अपना बखूबी निभाया उसको, और बहुत सुंदर लघु कथा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने लघु कथा हमें सुनाई, और समीक्षकों से मैं निवेदन करूंगी कि क्या वे लघु कथा के बारे में, विभा जी की लघु कथा के बारे में या लघु कथा के कोई तत्वों के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं तो प्लीज आमंत्रित हैं। जो भी कहना चाहे आप बताइए कि भारती जी, रविंद्र जी, राशि जी, विभा जी कौन कहना चाह रहे हैं, वो आरंभ कर सकते हैं। सुनना चाहूंगी। अच्छा, और कोई दो शब्द बोलना चाहते हैं? हाँ भावना जी, मैं एक बात बस है ना लघु कथाकारों से कहना चाहती हूँ कि जैसा कि कांता राय जी ने बोला है, वो चूंकि सिद्धहस्त हैं और लघु कथा के परिंदे इतना बेहतर चला रही हैं कि लेखकीय जो टिप्पणी होती है या लेखक का प्रवेश लघु कथा में होता है, जैसे उसने सोचा कि वो अच्छा ऐसा कर लेगी या उसके ऐसे करने से वो उसको ऐसा फील हुआ, या ऐसा कहना कि उसका जो उसके इस काम के कारण वो लोग जो है हंसी खुशी रहने लगे, यहाँ लेखकीय प्रवेश हो जाता है और वो लेखकीय प्रवेश से हमें बचना चाहिए। और संदेश बिल्कुल ना दे, ऐसा कहा जाता है कि संदेश मतलब लेखक ना दे, वो संदेश जो है कहानी से पाठक खुद खींच के निकाले, और लघु कथा वहां खत्म हो उस पंचलाइन पर जहां लेखक पाठक जो है वो एक दोराहे पे ऐसा खड़ा हो कि उसके पास एक पॉजिटिव या नेगेटिव या ये या वो ऐसा वाला एक दोराहा हो जिससे कि आगे चिंतन को, मनन को और जो हमारे दृष्टिकोण है उसमें विस्तार, ये वाली चीज एक, ये जो बहुत, और बहुत सारा चरित्र चित्रण या बहुत सारे किसी के बारे में बताने से भी थोड़ा सा बचना चाहिए। कि जैसे अगर मैं मेरी कहानी की समीक्षा करने चाहूं तो उसमें मुझे, मैंने करुणा इसलिए दिया था कि मैं दिखाना चाहती थी शुरुआत से कि दादी सास जो थी वो बहुत कड़क थी, पर वो कड़क नहीं थी, उनके दिल में बहुत करुणा थी। तो ये वाली चीज मतलब हम उसे निकालें, हम सजेस्ट ना करें पाठक को ऐसा, तो ये वाली चीज का थोड़ा ध्यान रखें। और बहुत छोटी लघु कथा भी ना लिखें और बहुत बड़ी लघु कथा भी ना लिखें। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी बात कही आप, बहुत अच्छा कारगर भी जानकारी थी। मुझे छोटी छोटी बातें, ये लघु कथा के इसमें बहुत बड़ा मायने रखती है, बहुत महत्व रखती है, ये बहुत मायने रखती है। तो इसलिए मतलब जिस तरह के हम साइंस में देखते हैं माइक्रोस्कोप होता है हर छोटी छोटी चीजें देखने के लिए, तो हमारे मंच पर आपको माइक्रोस्कोप की तरह भेजा है जो हर छोटी छोटी चीज को इतने अच्छे से बताते हैं। आप बहुत हो जाती है तारीफ करने में, आप लोग सभी, चाहे वो सुषमा जी हो, रवि जी हो, उदार हो जाते हैं। नहीं नहीं मेरी बात में डर लगता है कि मैं कैसे तारीफ करूं, इतना आदर और इतना सम्मान है, पर हम बहुत छोटे हैं आपकी तारीफ करने के लिए। हमको तो तारीफ के लिए भी शब्द ढूंढना पड़ते हैं कि कैसे बोलें, क्या बोलें तारीफ क्या उसकी जिसने तुझे स्नेह मिश्रित उदारता है, ये बेहद स्नेह है तो वो बहुत उदार हो जाते हैं, जहाँ स्नेह होता है वहाँ उदारता आ जाती है। वो जैसे चुंबक होता है ना, खींचता है अपनी ओर,
ऐसे आपके स्वभाव हमें खींचते हैं और आपके उदारता हमें आपको हमें भी उदार बना देती है, ये बात है बस और कुछ भी नहीं है। तो आपने जो भी मार्गदर्शन अभी दिया, जो भी हमें सिखाया सर आंखों पर, वाकई में बहुत अच्छा बात कही आपने। तो मैं और भी किसी से निवेदन करूंगी, यदि कोई बोलना चाहे तो, समय की समस्या तो चल रही है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ कुछ ज्ञान मिले तो कोई बात नहीं, एक कमरे की सफाई छोड़ देना चलेगा, हमारे स्वयं की सफाई अंदर से हो जाएगी। मेरा एक सजेशन है, अपने मंच पे जो लघु कथाएं आ रही है, तो कुछ लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एकदम शुरू में जिनकी एक दो ही लघु कथा लिख पाए हैं, वे पहले कम से कम पढ़े। मेरा कहना है कि वो थोड़ा सीखे पढ़े और फिर इसमें भाग ले। मेरा ये उन लोगों से निवेदन है, ये उन लघु कथाकारों से जो अभी सीखना चाह रहे हैं, जो लिखने की शुरुआत की है और जो लिख रहे हैं, वो जरूर यहाँ पे दें लघु कथाएं, ताकि उन लोगों को प्रेरणा मिले। तो मेरा बस यही निवेदन है लघु कथाकारों से। और जो तत्व है वो शीर्षक से लेके कम वाद कम विवाद कम पात्र और उद्देश्य, हमें उद्देश्य तक पहुंचना है, लेकिन कुछ लिखने का कुछ उद्देश्य हो पंच लाइन तक, यानी ये जो तत्व है उसका जरूर ध्यान रखें, बस इतना ही कहना। भारती जी आपने लघु कथा के तत्वों के बारे में बिल्कुल सही बात कही है, और मुझे ये मैं भी बोलना चाहती थी कि नवांकुर के लिए कि वो सुने, हमारे सारे कार्यक्रम अटेंड करे, उपस्थित रहे, और जितना सुनेंगे और जितना पढ़ेंगे उससे ज्ञान और बढ़ेगा, और शायद हो सकता है लिखने की टेक्निक में कुछ परिवर्तन आ जाए कुछ। हर हमेशा आप देखना, कोई भी कार्यक्रम होता है उसको आप जुड़ेंगे उससे, तो आप कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति लेना, हम देना थोड़ा कम जानते पर लेते तो है, ग्रहण ज्यादा करते हम, तो ये जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति है यहाँ साहित्य में हमें बहुत फायदा दिलाती है, उससे बहुत लाभ होता है, तो ये ग्रहण करना चाहिए। तो मैं सच में नवांकुरों की एक तो बहुत अच्छी बात है कि आप आते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, अपनी कथा का वाचन कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कुछ संग्रह अभी नहीं हुआ है, तो आप सुने और पढ़े जितनी ज्यादा हो सके, रीडिंग का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें, जितनी रीडिंग करेंगे वो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि शब्दों का भी संग्रह होगा आपके पास इसी तरह से। और जहां भी हमें ग्रुप पर भी कहीं अच्छा शब्द दिखता है, और हमें वर्तनिक अशुद्धियां भी हमें ऐसे ही सुधारनी चाहिए, अब हम छोटे बच्चे नहीं है जो आपको टीचर बैठेगी और सिखाएगी, आपको पढ़ना है जिससे आपके वर्तनी की शुद्धियां होगी। आप देखो कि जो अच्छे से लिखते हैं उनकी कहानियां पढ़ो तो देखो कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हो। मैंने अधिकतर देखा बहु शब्द, हम जब बहु को आवाज लगाते हैं तो कैसे आवाज लगाते, एकदम राग में, क्योंकि हमारी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, बहु नहीं लगाते है ना ऐसी आवाज, लेकिन जब मात्रा लगाएंगे छोटी सी मात्रा, ऐसा नहीं करना है वहां पर, बड़े सी मात्रा लगाने से। जब भूख लगती तो कैसे करते हैं, भू, तो वो उस चीज को बोलने पे ध्वनि पर बहुत ध्यान देना है। तो ये वर्तनी की अशुद्धियां, मतलब मैं शब्दबोध में जब आती है कहानियां तो एडिटिंग करते करते थक जाती हूँ मैं, उसके बावजूद भी बहुत सारी अशुद्धियां रह जाती है। तो सही बात है भावना जी, और पढ़ते समय इतना ज्यादा एकदम ऐसा लगता है कि जैसे उबड़ खाबड़ सड़क पर चल रहे हैं अपन, वर्तनी की अशुद्धियों में वो बहुत ज्यादा खड़ती है। एक बहुत मैंने बहुत शब्द एक मैंने जो सुधारा है, बहुत बहुत कोई नहीं लिखता था, बहुत बहुत हमें ओ की मात्रा बहुत बिल्कुल, मतलब वो कहते हैं ना हमारा दिल है कि मानता नहीं, जहां भी दिखे कैसे लगता अभी ठीक कर दे। और टीचर रहे हैं सालों से तो चेकिंग की तो बहुत ज्यादा आदत है, तो लगता है कि बस रेड पेन लो गोला बना दो बस बहुत अच्छा होती है। मैं गूगल को ये वाला ना ऑप्शन देने वाली हूँ कि कहीं किसी का अगर सुधारना हो तो एक पेन का ऑप्शन दे कि मैं वहां ऐसे अंडरलाइन कर सकूं जल्दी, क्योंकि उसको कॉपी करना
फिर वहां पर स्पेसिंग दे के लिखना है ना, बहुत टाइम लगता है। नहीं दीदी वो होता है ऑप्शन, वैसे पेन वाला टेक्स्ट में जाके तो आप सर्कल बना सकते हो आराम से।